सो गाइस, मैंने ये क्यूट फोन कवर्स लिए हैं बस 99 रुपीज में। हाँ, आपने सही सुना, बस 99 रुपीज। इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने ये कहाँ से लिए हैं और इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज भावना अधिकारी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर फ्लॉसम ट्राइब। और ऐसे ही आपको अमेजिंग वीडियोज और देखते रहने हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन बना है उसको भी, सो दैट जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। नाउ मूविंग ऑन टू कि मैंने ये किस वेबसाइट से लिया है। तो मैंने ये एक वेबसाइट से लिया है, उसका नाम है inkmesilly.com। तो क्या ये कंपनी फ्रॉड है या फिर इनकी भेजी हुई जो चीजें हैं वो उतनी भी वर्थ है या नहीं, 99 रुपीज की वर्थ है या नहीं, पूरी बात जाननी है तो आप आगे तक वीडियो जरूर देखें। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और अगर जिनको ज्यादा जल्दी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अपने लिए अपने फोन के हिसाब से अलग अलग कवर्स देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कौन कौन से कवर लिए। पहला कवर तो ये है, हाउ यू डूइंग, ये फ्रेंड्स वेब सीरीज का है। नेक्स्ट जो फोन कवर है वो ये वाला है। सारे के सारे फोन कवर्स अलग अलग फोन के होंगे। नेक्स्ट फोन कवर है ये वाला, नेक्स्ट कवर है ये वाला। तो ये जो पॉप सॉकेट है ये भी इन्हीं की वेबसाइट से ही है, और पॉप सॉकेट भी 99 रुपीज के ही है, क्योंकि ये ग्लॉसी वाले हैं अगर आप देखो तो, और काफी अलग है जो हमें नॉर्मली मिलते हैं उनसे। नेक्स्ट फोन कवर है ये वाला, और ये पॉप सॉकेट भी इन्हीं के यहाँ से ही है। तो ये जो मैचिंग है मैंने अपने अकॉर्डिंग करी है पॉप सॉकेट और फोन कवर की। और आपको यहाँ पे फोन कवर और पॉप सॉकेट मैचिंग भी मिल जाएंगे, जैसे ये सेम प्रिंट के दोनों भी मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो अपने फोन कवर से मैचिंग। तो पहले तो मैं बता दूँ, इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ हार्ड केस मिलेंगे। हार्ड केस मतलब ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं ये वाले ही मिलने वाले हैं आपको, जो सॉफ्ट या रबड़ वाले जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट। ऑल्सो मैं बता दूं कि मैंने यहाँ से पहली बार शॉप नहीं करा है, मैं यहाँ से पहले भी शॉप कर चुकी हूँ, पर पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हुई है जो मुझे लगा कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है, उस पर आगे बात करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ COD अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं आप, और मिनिमम 300 रुपये का सामान मंगाना यहाँ से जरूरी है, तभी आपकी जो डिलीवरी है वो फ्री होगी। और ऑनलाइन पेमेंट करना कितना सेफ है या नहीं, कम्प्लीटली सेफ है। मैंने हर बार यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करके ही सामान मंगाया है, तो इट्स क्वाइट जेन्युइन, आप कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट आराम से। बट बिफोर कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करने जाएं यहाँ से, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काफी बार यहाँ से सामान मंगा चुकी हूँ, बट पहली बार कुछ ऐसा हुआ जब मैंने कवर्स मंगाए यहाँ से लास्ट टू लास्ट टाइम, तो मेरा एक कवर इन्होंने गलत भेज दिया। लाइक जो मैंने मंगाया था वो नहीं, कलर सेम था, प्रिंट अलग था। तो बाय मिस्टेक ये गलती हो जाती है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। तो मैं ढूंढने गई इनका कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है इनके पास, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। तो मैंने उनको मैसेज करा तो एक कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज आता है कि आपको 24 से 48 आवर्स में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मुझे रिस्पॉन्स मिला, पहले तो उन्हें बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं बताना क्या चाहती हूँ, कि क्या हुआ है, उन्होंने गलत भेज दिया वगैरह। मैंने उन्हें समझाया तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है। तो आई आस्क कि आपके पास कोई एक्सचेंज या रिटर्न पॉलिसी है या रिफंड पॉलिसी है, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे एक्सचेंज या रिटर्न की कोई भी पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने उसकी जगह मुझे क्या ऑप्शन दिया, उन्होंने बस मुझे एक कूपन कोड दे दिया जिससे मेरे 99 रुपीज रिडीम हो जाएंगे। जैसे मेरा एक कवर जो है वो 99 रुपीज का है, तो जो उन्होंने गलत मुझे भेजा उसकी जगह वो मुझे एक 99 रुपीज का कूपन दे रहे हैं, ताकि भी अब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूँ तो मैं मुझे एक कवर फ्री मिल जाए। बट इसके साथ साथ उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप जाओ और अपना कूपन रिडीम कर लो और आपको 0 रुपीज में आपका कवर घर आ रहा है। आपको मिनिमम जो भी इनका कॉस्ट होता है 300 रुपीज, उतने का सामान मंगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिलीवरी पे करनी पड़ेगी। मतलब गलती अगर कंपनी के साइड पे हुई है तो एक्सचेंज पॉलिसी उनकी तरफ से जरूर होनी चाहिए, या फिर रिफंड या रिटर्न कुछ भी एक पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत जरूरी है, और मैक्सिमम वेबसाइट्स ये चीजें प्रोवाइड कर देती हैं। ऑब्वियसली इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा, आपकी कंपनी ने मुझे गलत सामान भेजा है, राइट? तो
अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं जब नेक्स्ट टाइम सामान खरीदूंगी मैं वो कूपन तो रिडीम कर लूंगी, बट मुझे वो डिलीवरी या तो पे करनी पड़ेगी या उसे बचाने के लिए मुझे और सामान मंगाना पड़ेगा। दिस इज आई गेस जस्ट अ टैक्टिक की मतलब कूपन दे दिया और लेकिन उसकी वजह से उनका और भी मुझे सामान खरीदना पड़ा। कस्टमर को 2 बार सामान खरीदना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक। तो एटलीस्ट कुछ ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए, या तो आप डिलीवरी फ्री करो जब आप वो कूपन कोड अप्लाई करवा रहे हो। हर कोई हर बारी मंगाना अफोर्ड नहीं कर सकता कि बार 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 बार, अगर वो 100 रुपए के चक्कर में कुछ मंगा रहा है तो वो दोबारा सामान क्यों मंगाएगा उतने ही प्राइस का। सो दिस दे शुड अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप यहाँ से सामान लो या ना लो, और मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, नाउ इट्स ऑन यू। और अगर आपको ऐसे और ऑनेस्ट रिव्यूज देखने हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू पीपल एंड टिल नेक्स्ट टाइम।